हेलो एवरीवन वेलकम टू वन एकेडमी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल कैसे हो आप सब होप यू आर ऑल फाइन एक बार ऑडियो वीडियो चेक करवा दीजिए एवरीथिंग इज फाइन हाँ आवाज़ वगैरह आ रही है मेरी प्रॉपर सभी को सुन पा रही है मुझे वेरी गुड इवनिंग यस सो so, स्टार्ट करते हैं आज हम फिलिप्स कर्व ठीक है फ़िलिप्स कर्व ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व लॉन्ग रन शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व्स जिसको आप बोलते हो ठीक है वो सब चीज़ें आज हम समझेंगे तो अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए जैसे जैसे मैं चीज़ों को समझाऊंगी साइमल्टेनियसली आप नोट डाउन करते रहिएगा ठीक है सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट डाउन साइमल्टेनियसली तो लेट स्टार्ट लाइक एंड शेयर कर दीजिए सबसे पहले देख लीजिए ये अन अकेडमी यू नेट का टेलीग्राम चैनल है इसे आप फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे डेली फ्री क्लासेस के लिंक जो हैं वो अपलोड होते हैं इसके अलावा अन अकेडमी पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस पूरे कोर्स जो है प्लस पर एंड आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेने पर पूरा कोर्स आपको मिलता है पेपर वन एंड पेपर टू का ठीक है जी सो so अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ऑप्ट करते हैं तो लाइव क्लासेस टेस्ट सीरीज अनलिमिटेड प्रैक्टिस स्ट्रक्चर शेड्यूल ये सब चीजें आपको मिलती हैं और अगर आईकनिक लेते हैं तो उसके अलावा आपको पर्सनल कोच डाउट सॉल्विंग स्टडी मटेरियल ये सब चीजें भी साथ में ही मिलती हैं स्ट्रक्चर है प्लस का छह महीने इससे ऊपर की लेंगे, no पर ये आपको प्रोवाइड होगा टेन परसेंट सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा ये सारे बैच कोर्सिसन रिपोर्ट एनी इनोप्रियट कंटेंट इन द सेशन सो लेट स्टार्ट फ्रॉम द फिलिप्स अब मैं यहां पर आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बताने वाली हूं सो so, जो चीजें मैं अंडरलाइन करूंगी रिपीट करूंगी साथ साथ में नोट डाउन कर लीजिएगा दीज थिंग्स ओनली आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है अब पढ़ना है जितना मर्जी पढ़ लो फिलिप्स को किताब से पढ़ोगे तो दो काफी लंबा चौड़ा मतलब सात आठ पेजेस में दिया होगा यू कैन रीड इट ऑल ठीक है बट जो क्रक्स मैंने निकाला है जस्ट दैट आर इंपॉर्टेंट थिंग्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर यूअर एग्जाम ट यू हैव टू रिमेंबर उसके अकॉर्डिंगली हम मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी तो आप साइमल्टेनियसली उसका नोट डाउन कर लीजिएगा अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा लेक्चर लगाने का ठीक so, है चलो सो फिलिप्स कव क्या स्टेट करते हैं देर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन वेजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट की वेजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट में जो रिलेशनशिप रहता है वो नेगेटिव रहता है सो so, जैसे आप देख सकते हैं रेट ऑफ इंफ्लेशन यू कैन से रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैश वेजेस ठीक है सो रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी और अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी ठीक है सो कहता है सबसे पहले जब ये फिलिप्स का आया था ना तो इसमें बताया नेगेटिव रिलेशन बिटवीन वेजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट बट बाद में यहां पर वेज रेट की जगह पर रेट ऑफ इंफ्लेशन वर्ड यूज किया गया था हालांकि अगर देखा जाए तो जब वेजेस बढ़ेंगी वेजेस बढ़ेंगी तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है मतलब वेजेस एंड इन्फ्लेशन एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं ठीक है ना तो उसने वेजेस की जगह पर यहाँ पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन टर्म बाद में यूज़ कर लिया फिलिप्स कॉम में बट रेट ऑफ़ इन्फ्लेशन एंड वेजेस एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं इसमें कुछ ये नहीं है कि अलग डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे तो क्योंकि जब प्राइजेस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है वह आप लोग अब देखिए आज से काफ़ी टाइम पीछे चले जाओ जब प्राइजेस कम होते थे तो वेजेस भी कम होती थी तब तो सात हज़ार की नौकरी भी बहुत होती थी जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ रहे हैं हम लोग ये तो देख लेते हैं कि प्राइजेस बढ़ रहे हैं साइमल्टेनियसली सैलरीज भी बढ़ रही हैं ठीक है पहले आपकी जे की फेलोशिप पच्चीस हजार होती थी अभी आपकी जे की फेलोशिप आपको मंथली मेरे ख्याल से पैंतीस से चालीस हजार बन जाता है से. तो महंगाई बढ़ने से उन चीजों पर भी फर्क पड़ रहा है ठीक है कि नहीं तो जैसे जैसे वेजेस अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो वेजेस भी बढ़ती हैं अच्छा ये चीजें आप ध्यान से यहाँ पे देखिए दीज आर बेसिक एजम्पन वेरी इंपॉर्टेंट द फर्स्ट एजम्पनिप इज फिलिप्स इज ए शॉर्ट रन फिलिप्स ज ए शॉर्ट रन एंड स्ट्रेटिक सबसे पहले हम बात करेंगे में होने की, इसके बाद पर चलेंगे। तो फिलिप्स कर्व का जो ये नेचर होता है ना दिवस का रिलेशन होता है आई होप आप सबको शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में फर्क पता है सो द कव इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड टेक देप ऑफ ए रेक्टेंगुलर हाइपर बोला दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है अब इसकी शेप रेक्टेंगुलर हाइपर बोला क्यों है बिकॉज hmm. ना ही ये एक्स एक्सिस से टच कर रहा है ना ही ये वाई एक्सिस से टच कर रहे हैं रेक्टेंगुलर हाइपर बोला का मतलब है कि वो चीज कॉन्टिन्यूसली डाउनवर्ड स्लोप कर रही है ठीक है कॉन्टिन्यूसली वो चीज डाउनवर्ड स्लोप कर रही है बट वो एक्सिस को टच नहीं कर रही ठीक है सो so, यहाँ पे फिलिप्स को आप देख रहे कॉन्टिन्यूसली डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है जैसे हमारा एवरेज फिक्स पोस्ट होता है कोस्ट कर्स पड़े एवरेज फिक्स्ड कोस्ट भी ऐसा ही होता है Continuously downward कर रहा है बट इट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का नाम देंगे ठीक है फिर रिलेशन तो ऐसा होता है दिस इज ए लीनियर रिलेशन स्ट्रेट लाइन लीनियर रिलेशन का मतलब है कि जितना इन्फ्लेशन कम हो रहा है उतनी ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है स्ट्रेट लाइन से नोट करें नॉन लीनियर ये भी लाइन स्ट्रेट नहीं थी ना रिलेशन वाली ट मींस की जितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट जरूरी तो नहीं है उतनी ही बढ़े ठीक है ना देर देर इज नॉट सेम चेंज इन द अनएम्प्लॉयमेंट एज रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेशन वो चेंज सेम नहीं होगा दैट्स वाई द कर्व इज नॉट स्टेट लाइन ठीक है प्राइज एक्सपेक्टेशन आर स्टेटिक डायरेक्ट एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फिलिप्स कर्व होता है उसमें जो आपकी एक्सपेक्टेशती हैं वो क्या होती हैं क्वेश्चन आया था एग्जाम में एक्सपेक्टेशन अडेप्टिव होती हैं रैशनल होती हैं या स्टेटिक होती हैं याद रखिए अगर हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन फिलिप्सकव की तो शॉर्ट फिलिप्स फिलिप्सकव में जो प्राइस एक्सपेक्टेशन है हम हमेशा स्टेटिक आएंगी ना ही एडेप्टिव ना ही रैशनल हमेशा स्टेटिक एक्सपेक्टेशन आएंगी जब हम शॉर्ट रन फिलिप्सकव की बात कर रहे हैं तो ठीक है अच्छा अब ये देखिए ये पॉलिसीज कैसे काम करती हैं हाउ दिस पॉलिसीज वर्क तो ये है पॉलिसी एक्सपेंशनरी एंड ये है पॉलिसी कॉन्ट्रेक्शनल ठीक है एक्सपेंशनरी पॉलिसी अब क्या है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है वाई ऐसा क्यों हुआ देखिए जब प्राइजेज़ बढ़े प्राइजेस बढ़े तो जो इंटरप्रीन्योर्स हैं बिजनेसमैन हैं उनको क्या फायदा होता है फ़ायदा होता है प्राइजेज बढ़ने से तो जब उनको फ़ायदा होता है तो वो हायर ज़्यादा करते हैं लोगों को इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा जॉब्स निकालते हैं है, है ना ज़्यादा भर्तियाँ निकालते हैं तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है एंड वाईस वर्सा अगर इन्फ्लेशन कम होगा दैट मीन्स इंटरप्रीनियर्स बिज़नेस हाउसेज़ इंडस्ट्रीज इनको थोड़ा नुकसान होगा ठीक है तो इससे क्या होगा कि वो लोगों को काम से निकालेंगे रखने की बजाय तो अनएम्प्लॉयमेंट इससे क्या होगी बढ़ेगी दिस इज द थिंग क्लियर अच्छा आगे देखिए अब मुझे पहले तो यहाँ तक बताइए कि सबको चीजें क्लियर है यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है तो प्लीज आस्क मी टू एक्सप्लेन यहाँ तक कोई दिक्कत है तो है देखिए अब बात करते हैं लॉन्ग रन फिलिप्स की लॉन्ग रन फिलिप्स का मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया है एज यू नाउ ये क्या है मोनिट्रिस्ट है मोनिट्रिस्ट है जिसको हम ऑगमेंटेड फिलिप्स या याडेप्टिव एक्सपेक्टेशन फिलिप्स काउ का नाम भी देते हैं सो लॉन्ग रन फिलिप्स कव को हम क्या बोलते हैं अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन या ऑगमेंटेड फिलिप्स कव ठीक है अब यहाँ पर थोड़ा सा पढ़े पहले पढ़ने के लिए चीज़ें पढ़ते हैं ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अभी आपको बाद में पढ़ाती हूँ यहाँ से स्टार्ट करती है तो मोनिटरिस्ट जो है फ्रीडमैन जो है वो क्या कहता है दैट देयर इज नो ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट इन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट की इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट में ट्रेड ऑफ होता ही नहीं ट्रेड ऑफ का क्या मतलब है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है तो वो ट्रेड ऑफ है ही नहीं वो कहता है ठीक है देर इज नो ट्रेड ऑफ अब वो क्या कहता है कि लोग जो है वो रैशनल है समझदार है ठीक है देर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टू डिफर फ्रॉम द नेचुरल रेट इन द लॉन्ग रन वो कहता है ठीक है शॉर्ट रन में तो ऐसा हो सकता है लोग धोखा खा सकते हैं पॉलिसी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ठीक है तो ट्रेड ऑफ हो सकता है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट में एक बार होगा दो बार होगा बट तीसरी बार लॉन्ग रन में लोग समझ जाएंगे पास्ट बिहेवियर्स के बेस पर लोग पॉलिसी को प्रिडिक्ट करने लग जाएंगे समझ जाएंगे बिहेवियर को और अपनी जो सैलरीज है अपनी जो वेजेस हैं उसको इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट कर लेंगे ठीक है तो वो एडजस्टमेंट वो खुद कर लेंगे तो दैट्स वाई फ्रीडमैन बोलता है कि लॉन्ग रन में जो आपका एक्चुअल रेट है वो नेचुरल रेट से डिफर नहीं करता शॉर्ट रन में हो सकता है बट लॉन्ग रन में वो डिफर नहीं करता तो लॉन्ग रन में जो फिलिप्स कर्व है उसकी एक्सपेक्टेशन स्टैटिक नहीं रहती लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व की एक्सपेक्टेशन रहती हैं अडेप्टिवटिव एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब है कि जो लोग हैं वो पास्ट एक्सपीरियंसिस के अपने पुराने तजर्बों के पास्ट एक्सपीरियंसिस के बेस पर पॉलिसी को प्रिडिक्ट करते हैं कि पिछले साल ऐसा हुआ था तो इस साल भी ऐसा होने वाला है उसके अकॉर्डिंगली वो अपने जो वेज सैलरीज अप, uh, हैं अपना जो सिस्टम है उसको एडजस्ट कर लेते हैं ठीक है चलो अच्छा अब यहाँ पे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट आते हैं ये फ्रीडमैन ने ही कंसेप्ट दिया है इसको एक नया नाम दिया गया है टॉबिन के द्वारा नॉन एस रे, इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा चुका है ठीक है डायरेक्टली ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है सो नॉन एसल रेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इसको हम नायरू का concept भी बोलते हैं सो so, क्वेश्चन कि ये नायरू का concept जो है ये किसने दिया टॉबी ने दिया और उसका क्या मतलब होता है क्या मतलब होता है नॉन एसल रेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इसका मतलब अभी मैं आपको आगे जाके जो डायग्राम है उसके थ्रू समझाती हूँ वट इज अन एसल रेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अच्छा हाँ तो इस देखिए ये एक ऐसा रेट है जहां पर हमारे इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल इन्फ्लेशन इक्वल रहते हैं देर आर नो डेविएशन अगर डेविएशन आए तो दैट मीन्स फिर ट्रेड ऑफ होगा याद रख लीजिए अगर डेवियेशन नहीं आए तो दैट मीन्स फिर ट्रेड ऑफ नहीं होगा ठीक है यहाँ पे लिखा है इट इज अ नेचुरल रेट ऑफ इफ देर इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड एक्चुअल वही चीज मैंने बताई ना अगर जो लोगों ने एक्सपेक्ट किया और जो एक्चुअल में है इन्फ्लेशन इसमें डिफरेंस आ गया ठीक है तो फिलिप्स का आपका डाउनवर्ड स्लोप होगा बट अगर इस तरह का कोई डिफरेंस नहीं आता अगर नेचुरल uh, जो आपका एक्सपेक्टेड रेट है एंड एक्चुअल रेट है वो इक्वल रहते हैं तो दैट मीन्स फिलिप्स कब वर्टिकल होगा और जब फिलिप्स कॉ वर्टिकल होगा तो देयर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बताइए यहां तक चीजें क्लियर है टिल दैट पॉइंट अभी आगे चल के और पढ़ते हैं इसके बारे में Yes or no? देखिए अब ये डायग्राम है इस डायग्राम से देखते हैं थोड़ा सा ये आप डायग्राम के थ्रू एक चीज साफ साफ देख रहे हो कि ये जो वर्टिकल लाइन हमारा फिलिप्स कव का बन रहा है लॉन्ग रन में इसमें क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन के बढ़ने से कम होने से हमारी अनएम्प्लॉयमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा कैन यू सी इट कि इन्फ्लेशन के बढ़ने या कम होने से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी आपको इसकी एक और डायग्राम दिखाती हूँ नेहरू बता दो देखिए मैं आपको इसकी बेसिकली डेफिनेशन लिख के बताती हूँ तो आपको और क्लियर होगा कहा बेसिकली दिस इज अ एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ नायरू अगर मैं एग्जैक्ट वर्ड्स में नायरू की डेफिनेशन दू तो इट इज दैट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये क्या हो गया सो इट इज दैट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एट विच इन्फ्लेशन नोट दैट मीन्स वो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जहां पर इन्फ्लेशन इंक्रीज नहीं हो रहा ठीक है अब आप दोबारा से ये कंसेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे देखिए

डिटेल में समझाती हूँ ऑगमेंटेड फिलिप्स कव जो हमने अभी पढ़ रहे हैं लॉन्ग रन फिलिप्स कव तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि ये जो लॉन्ग रन फिलिप्स कव का कंसेप्ट है ये किसने दिया है मोनिट्रिस्ट ने दिया है मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया है ठीक है सो ये एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप्स कव वॉज फर्स्ट यूज बाय द मोनिट्रिस्ट मोनिट्रिस्ट के द्वारा तो यूज किया गया मोनिट्रिस्ट एम्बरेज द एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन थ्यूरी टू मीन दैट पीपल वुड स्टम्बल वन और ट्वाइस ऑन द सेम स्टोन बट नोट इट हर्ट इसका क्या मतलब है कि लोग एक बार धोखा खा सकते हैं दो बार खा सकते हैं तीसरी बार नहीं खाएंगे ठीक है तीसरी बार पास्ट बिहेवियर्स के बेस पे पॉलिसी को प्रिडिक्ट कर लेंगे और अपने बिहेवियर को उसी ढंग से ढाल लेंगे दैट्स वाई लॉन्ग रन में एक्सपेक्टेड रेट और एक्चुअल रेट में कोई डिवर्जेंसीज नहीं आएंगी इंफ्लेशन के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा

अब अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है एक्सपेंशनरी मोनिट्री पॉलिसी दैट मीन्स इन्फ्लेशन बढ़ाती है गवर्नमेंट ठीक है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट गिरेगी है ना ऐसा ही होगा ये चीज़ हो सकती है एक बार हो सकती है दूसरी बार हो सकती है तीसरी बार हो सकती है कि इन्फ्लेशन बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट गिरे बट थर्ड टाइम थर्ड टाइम क्या होगा कि लोग इस चीज को प्रिडिक्ट कर लेंगे रलाइज कर लेंगे ठीक है एजेंट्स वुड बी क्विक टू एसोसिएट हायर इन्फ्लेशन विद ज इन ए विशियस सर्कल ठीक है तो वो प्रिडिक्ट कर लेंगे कि भी आने वाले टाइम में जो प्राइजेस हैं वो बढ़ने वाले हैं तो हमको अपनी सैलरीज को बढ़ाना है ठीक है हमको नॉर्मल केस में क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है बट यहां पे लॉन्ग रन में क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होगी क्यों कम नहीं होगी इन्फ्लेशन बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि जब लॉन्ग रन में लोग बार बार धोखा खा रहे हैं तो वो समझ जाते हैं कि अब प्राइजेस बढ़ने वाले तो प्राइजेस बढ़ने वाले हैं तो हम पहले ही ना अपनी सैलरीज ज्यादा डिमांड कर ले ठीक है पहले ही जो है अपनी सैलरीज ज्यादा डिमांड कर ले तो वो क्या करते हैं सैलरी ज्यादा डिमांड कर लेते हैं तो जब वो सैलरी ज्यादा डिमांड कर लेते हैं तो जो हैं हैं जो बिजनेसमैन है, अब वो नया लेबर हायर ही नहीं करेंगे बात समझे हो नहीं। नया लेबर हायर ही नहीं करेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट कहां से कम होगी बताइए इज इट क्लियर दोबारा से समझाऊ नॉर्मल केस में क्या हो रहा है शॉर्ट एंड फिलिप्स में कि प्राइजेस बढ़ रहे हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है प्राइजेस को बढ़ा रही है प्राइजेस बढ़ा रही है, है गवर्नमेंट की अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए तो इसलिए प्राइजेस बढ़ा रही है ना गवर्नमेंट ठीक है अब लोग एक बार दो बार तीसरी बार जब फिर गवर्नमेंट ने प्राइजेस बढ़ाए तो अब यहाँ पे लोग समझ रहे हैं लोगों को पता लग गया कि अभी आने वाले टाइम में फिर से प्राइजेस बढ़ने वाले हैं ठीक है थीके? तो लोग क्या कर रहे हैं अपनी से, हाई सैलरीज की डिमांड प्राइस बढ़ने वाले हैं तो हमको ज्यादा सैलरी चाहिए ट्रेड यूनियंस बना रहे हैं लेबर यूनियंस बना रहे हैं हाई सैलरीज की डिमांड कर रहे हैं सो व्हेन दे डिमांड हाई सैलरीज जब वो हाई सैलरीज की डिमांड कर रहे हैं आवाज आ रही है आपको मेरी आवाज आ रही है आपको मेरी स्लाइड नहीं शो हो रही क्या गड़बड़ हो गई Just wait a minute, I'm fixing the issue. Only voice is coming. क्या हो रहा है पता नहीं इतना अच्छा टॉपिक पढ़ाने जाओ तो इस तरह के issues आने लगते हैं Just wait for a minute, I am fixing the issue, okay? हाँ, अभी बताइए ओके है इज इट ओके ना वॉइस वीडियो सब कुछ अभी ठीक है ना चलो सो so, मैं आपको यहाँ पे क्या समझा रही थी दोबारा से कंसेप्ट समझती है हाँ ब्लैंक स्लाइड पे समझाती हूँ मैंने आपको क्या पढ़ाया देखिए कि शॉर्ट रन में पता क्या हो रहा है शॉर्ट रन में हो रहा है कि जब प्राइजेस बढ़ रहे हैं ठीक है गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी मोनिटरी पॉलिसी लगा रही है प्राइजेस को बढ़ाने के लिए और ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जब प्राइजेस बढ़ जाएंगे ना तो जो हैं वो क्या करेंगे उनको प्रॉफिट ज्यादा होगा तो वो लोगों को नौकरियां ज्यादा देंगे तो इस तरह करने से अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी ये प्रडिक्शन लगा के गवर्नमेंट प्राइजेस को बढ़ा रही है ठीक है ये शॉर्ट रन का सीन है बट अब फ्रीडमैन क्या कहता है कि चलो पहली बार ऐसा हो गया प्राइजेस बढ़े तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी दूसरी बार ऐसा हो गया बट तीसरी बार ऐसा नहीं होगा क्यों तीसरी बार अब गवर्नमेंट अब लोगों को पता लग गया कि प्राइजेस बढ़ने वाले हैं फिर से तो अब लोग क्या करेंगे जब लोगों को पता चल रहा है ना कि गवर्नमेंट इस तरह इस टाइम पर बार बार प्राइजेस बढ़ाती है तो लोगों को पता चल गया लोग अब क्या कर रहे हैं लोग सोच रहे हैं कि प्राइजेस बढ़ने वाले हैं तो हम ना अपनी वेजेस को भी बढ़ा ले हम अपनी वेजेस को भी बढ़ा ले ठीक है अपनी जो तनख्वाह है उसकी ज्यादा डिमांड करें दाम बढ़ेगा तो हमारी वेजेस बढ़े तो अब जो वर्कर्स है ना वो क्या करते हैं वो ट्रेड यूनियंस के कट वगैरह बनाकर ज्यादा वेजिस की डिमांड करने लगते हैं तो जब वो वेजेस ज्यादा की डिमांड करते हैं उनको वेजेस ज्यादा मिल जाती है तो जो है, जो बिजनेस मैन है वो या एक ही काम कर सकते हैं या तो वो एग्जिस्टेड एम्प्लॉयर्स की तनख्वाह बढ़ा दें या तो और एम्प्लॉयर्स हायर कर ले काम करेंगे ना तो अब या फिर क्या होता है कि प्रॉफिट्स प्राइजेस uh, बढ़ने से जो हैं जो पुराने वर्कर्स लगे हैं ना उनकी तनख्वाह बढ़ा देते हैं और नए वर्कर्स हायर नहीं करते तो डेट्स वाई यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट आपकी कम नहीं होती लॉन्ग रन में बात समझियो ये फंडा समझियो ये फंडा समझ आ गया तो लॉन्ग रन फिलिप्स का इजी है इट्स टू इजी टू अंडरस्टैंड दैट इज द रीजन वाई इन लॉन्ग रन अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट डिक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट लॉन्ग रन में डिक्रीज नहीं होती क्यों क्योंकि लोगों की सैलरीज बढ़ जाती हैं तो जो इंटरप्रीनियर्स हैं वो एग्जिस्टिंग लेबर की सैलरीज बढ़ा देते हैं और नया लेबर हायर नहीं करते तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइजेस जो मर्जी हो अनएम्प्लॉयमेंट सेम की सेम रहती है बात क्लियर कल्पिता घोष जी यस yes. बिल्कुल ठीक है ये दोनों आपके जर्शन रीजन एंड रीजन कोज exactly ये बिल्कुल सही रीजन है दर्शन का ठीक है जो भी है इट इज एग्जैक्टली राइट चलो अब हम चलते हैं इस डायग्राम को देखिए That is a long-run Phillips curve. Initially, unemployment uh, and inflation are at point A. द अब गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि मुझे प्राइजेस बढ़ाने हैं गवर्नमेंट जब प्राइजेस को बढ़ाती है तो जो expectations है वो शिफ्ट हो जाती हैं B पॉइंट पर गवर्नमेंट प्राइजेस को बढ़ाती है तो शॉर्ट रन में प्राइजेस बढ़ने से unemployment कम हो जाती है शॉर्ट रन की बात है ठीक है बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो ऑफ है ना ये एक दो बार रह रहा है तीसरी बार जैसे मैंने बताया ना एक बार ऐसा हो गया दूसरी बार ऐसा हो गया तीसरी बार ऐसा नहीं होगा ठीक है तीसरी बार ऐसा नहीं होगा सो so, यहां पर अभी क्या हो रहा है हाउ एवर आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड एजेंट्स विल बिगन टू एसोसिएट एक्सपेंशनरी पॉलिसीज विद इन्फ्लेशन विच मीन ए ड्रेन ऑन द रिसोर्स एंड दे विल पुश फॉर हायर यही चीज समझाई ना मैंने अब वो हायर वेजेस की डिमांड करने लगे उनको पता लग गया कि गवर्नमेंट प्राइजेस uh, बढ़ा रही है तो हमको वेजेस ज्यादा चाहिए ठीक है दे विल डिमांड हायर वेजेस तो जब वेजेस ज्यादा डिमांड कर ली तो क्या हुआ डिस इंसेंटिवाइज हायरिंग डिस हायरिंग बंद हो गई

टू इंफ्लेशन विद नो पर आपको लॉन्ग uh, रन में इन्फ्लेशन पर इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा सॉरी uh, अनएम्प्लॉयमेंट पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है एकदम कॉन्स्टेंट रह रहा है इन्फ्लेशन का लेवल जो मर्जी हो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट जो मैंने अभी समझाया आपको हायर वेजेज एंड डिस का इज इट क्लियर ये कंसेप्ट क्लियर है सभी को बताइए मुझे यहाँ तक सभी को क्लियर है बताइए एक बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि जो अराउंड द फिलिप्स कर्व कि जो फिलिप्स कव होता है उसके अराउंड एक लूप होता है ये क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में तो यस ये होता है लूप ये देखिए इस तरह से ये लूप होता है एक इस डायरेक्शन में ये लूप चलता है और ये लूप रिप्रेजेंट करता है ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है ऑब्जर्व्ड वैल्यूज सो यू कैन से यस देयर इज लूप अराउंड फिलिप्स का again. चलो सो आई थिंक जितना समझाया है सबको क्लियर हो सो इन समरी सस्टेन दैट द फिलिप्स कर्व विल होल्ड इन द शॉर्ट टर्म मोनिटरिस्ट कहते हैं कि फिलिप्स कर्व सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही होल्ड करता है लॉन्ग टर्म में होल्ड नहीं करता क्योंकि लॉन्ग टर्म में फिलिप्स कर्व वर्टिकल होता है और इट डिटरमाइंस अ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट नेचुरल है दैट मीन्स हमारा जो एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट है एंड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है वो बराबर हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी को बाय द यूज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसिस इज इट क्लियर अभी एक दो डायग्राम देखिए अगर आपको पूछ लिया जाए कि टॉबिन के व्यू में फिलिप्स कव की शेप क्या होती है तो टॉबिन के व्यू में फिलिप्स कव की शेप किंग्ड होती है पार्ट लाइक नॉर्मल फिलिप्स कव एंड द रेस्ट इज वर्टिकल इतनी शेप नॉर्मल फिलिप्स कव की रहती है और नीचे वाला पार्ट इसका वर्टिकल हो जाता है सॉरी ऊपर वाला पार्ट जो है वर्टिकल हो जाता है ठीक है तो जो आपका टॉबिन है पूछ लिया जाए टॉबिन कव टॉबिन ने जो किंग किंगड शेप दी है ये याद रखिएगा और एक सोलो ने भी फिलिप्स कर्व की शेप दी है ये वाली और इसमें नेगेटिव पोर्शन में हम जा रहे हैं सो so, <coughs> सोलो के व्यू के अकॉर्डिंगली फिलिप्स कर्व इज वर्टिकल एट पॉजिटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड हॉरिजॉन्टल एट नेगेटिव रेट्स नीचे चले जाएंगे तो नेगेटिव रेट्स बन जाएंगे ना ये इस तरह से हम बनाते हैं ये पॉजिटिव रेट्स ये नेगेटिव रेट्स है ना तो नीचे अगर चले जाएंगे तो ये नेगेटिव रेट्स बन जाएंगे के. So is, is है? ये दो व्यू भी आप ठीक से याद रख लीजिए इकोनॉमिक्स के पीवाई क्यूज करवा देंगे यूट्यूब पर वो भी करवा दूंगी पब्लिक इकोनॉमिक्स के पीवाई क्यूज ठीक है इज इट क्लियर किसी को कोई दिक्कत है कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से मुझसे पूछ लीजिए अदरवाइज आई विल एंड यस एवरीथिंग इज फाइन रेस्ट इज वर्टिकल का मतलब कि बाकी का मतलब कुछ पोर्शन उसका आ, जो है वो हॉरिजॉन्टल है कुछ पोर्शन उसका वर्टिकल है ये वर्टिकल रेस्ट इज वर्टिकल कुछ पोर्शन उसका नॉर्मल है रेस्ट मतलब जो बचा हुआ पोर्शन है वो वर्टिकल है दैट मींस बचा हुआ पोर्शन आज स्पेशल क्लास नहीं है ठीक है स्पेशल क्लास नहीं है सुबह साढ़े नौ बजे मिलेंगे डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस में ठीक है डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन सुबह करेंगे चलो सुसिमर टेन कोड याद रख लीजिएगा ये कोड लगा के फ्री क्लासेस भी मेरी आप अनलॉक कर पाएंगे थैंक यू वेरी मच सेशन अच्छा लगा हुआ तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा टेक केयर बाय